तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टूडियो में। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल टॉपिक वाईटी। तो दोस्तों मैं आपके साथ हर्षुल सहगल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे आप इस वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे बना सकते हैं घर पे भेलपुड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से भेलपुड़ी बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे पास पफ राइस अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सिर्फ जो नमकीन होती है पफ राइस के साथ जो हम नमकीन लेते हैं, मैंने सिर्फ वो ही आपको बना के दिखाई है। तो मैंने आज आपको भेलपुड़ी बना के दिखाई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल गाइस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि भेलपुड़ी बनाने के लिए मैंने ये वाले इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, आप भी जरूर ये लीजिए। देखिए मेरे पास पफ राइस अवेलेबल नहीं थे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे लॉकडाउन चल रहा है मेरे को पफ राइस नहीं मिला, तो देखिए जो इंग्रेडिएंट्स है आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 टोमेटोज लिए हैं, टोमेटोज लेने के बाद मैंने यहाँ पे 2 ऑनियंस लिए मीडियम साइज के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पोटैटो लिया मैंने, तो और यहाँ पे एक ये नींबू लिया है जिसको हम लेमन कहते हैं, और यहाँ पे मेरे पास कोरिएंडर है चॉप्ड है, जो होली वाली जो नमकीन है। देखिए मेरे पास पफ राइस नहीं था, तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो देखिए जो सबसे पहले आप इस जो ये टमाटो आप इनको धो लीजिए और इनको चॉप कर लीजिए, और ऑनियन को भी आप चॉप कर लीजिए, और जो पोटैटो है आप इसको बॉईल कर लीजिए और इनको भी चॉप कर लीजिए, और ये जो नींबू है ना आप इसका वो क्या कहते हैं आप इसका रस निकाल लीजिए। और चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप कैसे करेंगे। तो लाइक कीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको टमाटर दिखाया था उसको मैंने चॉप कर लिया है, ऑनियन को भी मैंने चॉप कर लिया है, और ये जो मेरे पास पोटैटोज हैं इनको भी मैंने चॉप कर लिया, ये मैंने बॉईल किया हुआ था। और ये देखिए मेरे पास लेमन जूस है, और ये देखिए जो मैंने आपको कोरिएंडर दिखाया था ये मेरे पास नमकीन है। और जो हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, देखिए ये पहले आप ये देखिए ये मिक्सिंग बाउल में हम ये सारा इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे, और जो हमें स्पाइसेस ऐड करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे ये लिया है, देखिए ये जो है ये है अमचूर पाउडर, ये है रेड चिली पाउडर, ये है गरम मसाला, और ये है हमारे पास सॉल्ट, और ये लास्ट में हमारे पास चटपटा चाट मसाला। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है। तो देखिए दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास नमकीन है इसको हमें सबसे पहले इस बाउल में ऐड करना है। पहले मैं इसको साइड में रखते हैं, एक मिनट दोस्तों। देखिए जो नमकीन है पहले आप इसको ऐसे साइड में रख दीजिए, जैसे आप इसमें ये बाउल में डाल दीजिए, और उसके बाद आपके आप इसमें देखिए दोस्तों आप ये डाल दीजिए आप इसमें, और फिर हम इसको इकट्ठे मिक्स करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने इसमें डाल दिया, चलिए एक बार इसको ऐसे मिक्स करके दिखाता हूँ आपको। देखिए देखिए दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे पास पफ राइस नहीं है, लेकिन उसके बिना भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिए। देखिए अब पफ राइस भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे भेलपुड़ी में डालते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने ऐसी बना के दिखाई, लेकिन ये भी रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। इसको हम चटपटी नमकीन भी कह सकते हैं दोस्तों, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। देखिए जैसे हमने इस पे मिक्स कर लिया, अब हम इसके अंदर ये पोटैटोज ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों बचे हुए भी ऐड कर लेते हैं, तो इसमें हम ऐसे मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ये देखिए ये लेमन जूस है ये भी ऐड कर देते हैं दोस्तों। ये जब हम इसमें ऐड कर देंगे इसके बाद हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, देखिए सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, देखिए दोस्तों थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला दोस्तों, देखिए, और अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे देखिए दोस्तों चटपटा मसाला डालेंगे चाट मसाला। देखिए बस पैकेट में से थोड़ा सा डाल देता हूँ दोस्तों, देखिए तो हमने डाल दिया है, और अब हम इसको करेंगे मिक्स। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। तो देखिए दोस्तों अब ये जब जैसे ही आप इसमें मिक्स कर लेंगे ना, तो आप इसमें जो ये देखिए जो हमने ये लिया था ना हम इसमें ये डाल देंगे जो हमारे पास ये क्रश्ड कोरिएंडर था। तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी, सिर्फ ये 5 मिनट में बन जाती है। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेरे पास पफ राइस नहीं थे, लेकिन ये भी भेलपुड़ी आप इसको कह सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कह रहा था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।
ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। तो देखिए ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। देखिए हमारी फेवरेट बन चुकी है और अब आप इसको सर्व करके कर सकते हैं। तो देखिए एक मैंने यहाँ से सेपरेट प्लेट ले ली है, देखिए दोस्तों सेपरेट प्लेट, और इसमें आपको सर्व करके दिखाता हूँ। देखिए आप सबको जैसे मिक्स कर लेंगे तो आप इसको जस्ट यहाँ पे आप इसको ऐसे डालिए प्लेट में एक, और देखिए ये जैसे आप इसको डाल देंगे आप इसके ऊपर जो हमारे पास ये है ना, ये ऐसे सिंपली आप इसके ऊपर डाल दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको कह रहा था चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल गाइज, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय।